नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरितालिका तीज व्रत के नहाए खाए के संपूर्ण नियम विधि, सर्गी से लेके नहाए खाए सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा कि एक भी मतलब जो नियम विधि है ना आपके ध्यान से निकले ना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को पक्का लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि इस साल 2023 में हरितालिका तीज का व्रत हम कब करेंगे, 18 सितंबर को। दिन क्या है, सोमवार। तो सोमवार के दिन कई ऐसी महिलाएं पूछी हैं, लड़कियां, कि दीदी हम 16 सोमवार का व्रत रखते हैं तो हम कैसे करें। कोई चिंता वाली बात नहीं है, ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा कि आप दो दो व्रत शिव जी का आराम से एक साथ कर सकती हैं, क्योंकि सोमवार व्रत में भी 16 सोमवार में भी शाम को ही पूजा किया जाता है। और हमेशा से एक चीज ध्यान में रखिए कि शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करें तो बहुत अधिक हमें लाभ मिलता है, तो आप जरूर कोशिश करें। तो दोनों पूजा एक साथ ही कीजिएगा, हमारे शिव जी हमारे महादेव जी सब हमारी मजबूरी समझ रहे हैं और दो दो व्रत एक साथ एकदम आराम से आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अनाज ना खाएं। क्लियर हो गया, जान लेते हैं नहाए खाए की संपूर्ण विधि। तो देखिए, आपको मालूम है कि हर व्रत में एक दिन पहले नहाए खाए का नियम है, क्योंकि हमें अच्छे से शरीर को शुद्ध करके मतलब बाल वगैरह धो के उसके बाद से नियम विधि से भोजन बनाकर बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करके किसी भी प्रकार का व्रत हमें रखनी चाहिए। लहसुन प्याज वाला भोजन हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करनी है, सुबह सवेरे 17 तारीख को, दिन क्या है, रविवार के दिन, बहुत अच्छे दिन पे पड़ा है, हर आदमी बाल वगैरह धोकर आप लोग, कई लोग है कि मतलब नेल वगैरह काट कर भी उनके यहाँ शुद्ध माना जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा काटा जाता है, तो बाल धोने के तुरंत बाद नेल वगैरह ना काटे, आराम से काट लीजिएगा अगर आपके यहाँ काटा जाता है तो। हमारे घर ऐसा कुछ नियम नहीं है, नियम है बाल धोने का है। तो ये हो गया, बाल धोकर अच्छे से तैयार हो जाइएगा, घर द्वार साफ सुथरा करके, बर्तन वगैरह साफ करके, और बिना लहसुन प्याज वाला भोजन उस समय से आप लोग शुरू कर दीजिएगा और बनाकर, और मसूर की दाल वगैरह बैगन मूली वगैरह नहीं खाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो व्रत है ना साल में एक बार आता है और हरितालिका तीज का व्रत पति के दीर्घायु के लिए किया जाता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी गलती हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। और हर चीज के लिए मैं वीडियो अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। पूजा विधि, पूजा की सामग्री, दान के नियम विधि और मासिक धर्म के लिए सब कुछ डाल चुकी हूँ, आप लोग को कमेंट्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं भी थोड़ा बिजी हूँ तो रिप्लाई कहीं ना दूँ तो आप लोग बिल्कुल दुखी मत होइएगा कि दीदी नहीं दी। क्लियर हो गया। तब आप लोग क्या कीजिएगा, उसके बाद भोजन वगैरह करके और उसी दिन अपने बेड का जो चादर है बदल दीजिएगा, क्योंकि व्रत में ना हमें मतलब गंदे चादर पे नहीं सोनी चाहिए, साफ सुथरा चादर और पीलो कवर अपना बदल के साफ कर लीजिएगा। या अगर मान लीजिए नहीं बदल पाते हैं, बारिश का दिन है, तो उसके ऊपर से भी एक साफ सुथरा चादर आप लोग बिछा लीजिएगा, लेकिन गंदे चादर पे डेली यूज वाले पे मत सोइएगा। तो ये हो गया। उसके बाद से शाम को तो आप लोग उसी दिन से कोशिश करें भोजन में तेल कम डालिएगा और मसाला, मसाला ऐसा नहीं कि कल व्रत रखना है तो बहुत सारा तेल और मसाला वाला भोजन खाने लगे, ना मत खाइएगा, नहीं तो प्यास इतनी ज्यादा लगेगी कि परेशान हो जाइएगा। तो जो भी भोजन करे ठंडा करे, और रात में भी कोशिश करे कि चावल खाइएगा, रोटी तो जो खाते हैं वो खाएंगे लेकिन रोटी के साथ चावल जरूर खाइएगा, क्योंकि चावल खाने से ऐसा देखा जाता है, मतलब हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग का एक्सपीरियंस है वो बता रही हूँ कि प्यास कम लगती है, तो हम लोग भी चावल बनाते हैं पक्का, या तो दाल से खाओ या तो सब्जी से खाओ, सब्जी चावल ही मैक्सिमम लेडीज का आप तो जानती है, दाल कम ही खाते हैं। तो ये हो गया, तो आप लोग चावल खा लीजिएगा और देख लीजिएगा जो आपको पसंद है, आप लोग सैलेड वगैरह खा लीजिएगा, प्याज मत खाइएगा। ये हो गए। अब कई लोगों का सवाल है कि दीदी हम लोग सर्गी नहीं खाते हैं, रात 12 बजे तक जितना पानी वगैरह पी लो खा लो उतना ही खा लेते हैं, 12 बजे के बाद हम लोग नहीं खाते हैं। तो देखिए, टोटल आपकी मर्जी है, अगर आपके यहाँ नहीं खाया जाता है तो कुछ भी नया शुरुआत ना करें। और मान लीजिए कि जिनके यहाँ खाया जाता है, तो मैं तो कहूंगी कि सर्गी खानी चाहिए। देखिए, पानी वगैरह आप पी लेंगे ना तो फिर पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है और हमें प्यास भी नहीं लगती है। तो आप लोग रात में सो जाइएगा और अलार्म लगा लीजिएगा,
या तो अपने जितने रिश्तेदार हैं, बहन भाभी जो भी आपके हैं, ननद, आप लोग क्या कीजिएगा, अलार्म लगा के सोइएगा। नहीं तो क्या होता है ना, सोने जाते हैं इतने हदास, लोग को पहले से ही बहुत अधिक हदास हो जाता है कि कल व्रत रहना है, कल व्रत रहना है। और लोग जो है ना रात में, मतलब जब सोते हैं तो बेचारे भूल ही जाते हैं कि हमें उठना है। जो महिलाएं हैं, लड़कियां, वो बेचारी भूल जाती हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि सभी को जना के रखिएगा कि भाई जब आप उठना तो मुझे जगा देना, या तुम उठ गई तो मुझे पक्का जगा देना। ऐसे करके आपस में आप लोग बातचीत कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं कोई आपका रिश्तेदार है तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी बता के रखिए कि जब उठिएगा तो हमें जरूर। मान लीजिए कभी कभी अलार्म भी धोखा दे देता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एकदम रियल चीजें बता रही हूँ। कभी कभी बच्चे गेम खेलते हैं ना, साउंड वगैरह कम कर देते हैं, तो अलार्म बजता नहीं है और हम सोए रह जाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। तो अलार्म लगा के 3 बजे आप लोग, जैसे 3:30 का ही लगाइएगा। मेहंदी वगैरह पहले ही लगा लीजिएगा, और नहीं तो बहुत सारे लोग अगले दिन भी, व्रत के दिन भी लगाते हैं। और इससे पहले दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें वीडियो बनाने का बहुत मन होता है, हिम्मत आ जाता है, थके भी रहते हैं फिर भी बनाते हैं, तो जरूर कीजिएगा। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी क्या है नीचे देखिए मेंशन कर दी हूँ। तो उसके बाद से आपको क्या करनी है कि उठकर भोर में उठनी है, 3 बजे भोर में उठ जाइएगा। उठकर आप चाहे तो सिर के ऊपर से स्नान कर सकती हैं, नहीं करना तो कोई बात नहीं, ड्रेस चेंज कर दीजिए। अगर जिनको ठंडी लग रही है या नहीं करने का दिल कर रहा है, तबीयत खराब, ड्रेस कम से कम बदल दीजिए। और बदल कर क्या कीजिएगा, ब्रश वगैरह कर लीजिएगा, ब्रश करके चाय पी लीजिएगा। चाय पीने से क्या होगा, सिर दर्द नहीं होगा। और उसके बाद से आप ग्लूकोन डी या आप नींबू पानी, मैं तो कहूंगी नींबू पानी एक बार पी के देखिए, चीनी थोड़ा सा डालिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, खट्टा पिया तो नहीं जाता लेकिन एक बार पी लीजिएगा ना, प्यास नहीं लगती है। या नारियल पानी, लेकिन कोल्ड भी होने का डर रहता है तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा बचा के ही पीजिएगा। लेकिन ऐसे जूसी चीजें, मतलब शरबत वगैरह पीजिएगा, ये हो गया। और केला भी खाने से लोग कहते हैं कि प्यास नहीं लगती, लेकिन मैं अपनी सच्चाई बता दूं, मैं ज्यादा कुछ भी नहीं खाती, बस जूस वगैरह पी लेती हूँ, जैसे शरबत पी लेती हूँ चीनी का और नींबू का, या ग्लूकोनडी और चाय पी लेती हूँ। चाय भी कभी कभी नहीं पीती हूँ, लेकिन चाय पी लेने से अच्छा होता है, सिर नहीं दर्द होता है। और बहुत सारे लोग खीरा खाते हैं, जैसे केला खाते हैं, एप्पल खाते हैं, कोई मिठाई खाते हैं, आप देख लीजिएगा। जो अनाज मत खाइएगा, भूल कर भी मत खाइएगा, जितना ही कम खाइएगा उतना ही जो है आप ठंडे से, मतलब आपको प्यास नहीं लगेगी। और जिन महिलाओं को, बच्चों को दूध जो पिलाती हैं, वो पक्का सर्गी खा लेंगी, क्योंकि केला वगैरह जो ही खाया जाए खा लीजिएगा, बहुत ज्यादा मत खाइएगा ना तो व्रत खंडित हो जाएगा। वोमिटिंग भी होता है, बहुत लोगों को वोमिटिंग होने लगता है, तो कम ही खाइएगा। और भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, सभी लोगों का भगवान चाहेंगे तो हमारा बेड़ा पार एकदम आराम से होगा। ये हो गया। उसके बाद से आपको क्या करनी है, पूरे दिन निर्जला आपको व्रत रखनी है, निराहार ये व्रत रखा जाता है। बीच में प्यास लग जाती है तो आप क्या कीजिएगा, पशु बन के नहीं रहा जाता है तब, ऐसा नहीं कि दीदी बोल दिए तो जब मन तब पी ले, एक बार, वो भी 2-4 बार नहीं रहा जाता है, तो बीच में उठकर एकदम मन भर के थाली में जो है पानी को डाल के और पीछे हाथ करके पशु बन के पी लीजिएगा। क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि, और जिनसे थोड़ा सा भी रहा जाएगा, कोशिश कीजिएगा कि पूजा करके शाम को प्रदोष काल में पूजा करके, शिव जी की मंदिर भी आप जा सकते हैं, लेकिन घर में जरूर थोड़ा बहुत पूजा कर लीजिएगा। अगर कलश नहीं भी रखती है तब फूल पत्र बेलपत्र ये सब चढ़ा के, पूजा विधि तो मैं डाली हूँ, उतना तो जरूर कर लीजिएगा। सिंदूरा से सिंदूर वगैरह सब लगा लीजिएगा, व्रत के दिन शाम को ही लगाया जाता है, सुबह में आप थोड़ा बहुत पूजा कर सकते हैं, संकल्प ले सकती हैं व्रत का कि जाके शिव जी के सामने बोलकर। और सिर के ऊपर से अगर आप नहा लेते हैं भोर में ना, तो और आपको प्यास नहीं लगेगी। तो आप देख लीजिएगा किस प्रकार से आप कर रहे हैं। ये हो गया। उसके बाद शाम को हम जो है फिर से एक बार स्नान करते हैं, और उसके बाद जो ही आपका 16 श्रृंगार है करके, तब हम विधि विधान से भगवान की पूजा करते हैं। तो बाकी चीजें तो सब बता चुकी हूँ, तो ये नहाए खाए के जो नियम विधि थे सब कुछ बता दी। कोशिश कीजिएगा कि 4 बजे से पहले ही मतलब कर ले, बहुत मतलब मैक्सिमम लेट हो जाए तो 4:10 या 4:15 उसके आगे नहीं, नहीं तो कौवे का साउंड आपके कान में आ जाएगा, फिर व्रत जो है बेकार हो जाएगा। तो अब 4:30 तक ही कोशिश कर ले कि मतलब सब कुछ खा पी कर हम सही हो जाए, उसके बाद आप लोग सो जाइएगा। दोबारा से उठकर सुबह जो करना होगा कीजिएगा, काम कम कीजिएगा। और मतलब चिल्लाना बच्चों के पीछे, सच्चाई बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये कर लो वो कर लो, बोलना कम है। ज्यादा बोलिएगा
प्यास लग जाएगी। एकदम कम बोलनी है, काम कम करनी है, थोड़ा बहुत काम कीजिएगा, सुबह ही कर लीजिएगा, उसके बाद तो और प्यास लगने लगती है। शाम को जब हम स्नान करते हैं ना तो प्यास जो है और बढ़ जाती है। तो सुबह में भोर में आप चाहे जितना आपसे झाड़ू पोछा जितना हो पाता है कर लीजिएगा, और करके फिर आप लोग सो जाइएगा। रहा जाता है तो जग के रहिए, नहीं तो नियम तो है व्रत में जग के रहनी चाहिए, लेकिन नहीं रहा जाता है। बहुत कम लोग हैं जो बिना निर्जला व्रत में जग के रहते हैं। आप सो जाइएगा, दिन कट जाएगा। क्लियर हो गया? नहाए खाए के संपूर्ण नियम बता दी। और सुबह में मतलब जो धूली पहनी हुई साड़ी पहन सकते हैं, सुबह ही कोरा नहीं पहनते हैं। अगर विधि विधान से पूजा करना है तब कोरा पहनिए। तो अब आशा करती हूँ कि सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी नहाए खाए से संबंधित। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।